देखे तो ऐसा चिपक जाता है, फरसबीन का पत्ता है। दोस्तों अभी हम लोग आधा ज़्यादा तोड़ लिए हैं, फिर भी अभी बहुत सारा तोड़ने के लिए बाकी है। तो देखिए हम लोग बांध दिए हैं चटबोरा में, उरो आदमी सुतर लड़का, उठो उठो उठो। हेलो दोस्तों, आज के नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए आज का मौसम कैसा है, आज का मौसम देखिए तो हल्का हल्का बादल है आसमान में और हल्की हल्की धूप भी है। तो आज का मौसम बहुत ही सुहावना है, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में भी। ज़्यादा धूप भी नहीं है और ज़्यादा छाँव भी नहीं है, यानी कि काम करने में बहुत अच्छा लगेगा आज का मौसम, और घूमने फिरने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं फरसबीन तोड़ने के लिए, फिर से आज फरसबीन तोड़ रहे हैं। हालांकि ये फरसबीन ख़त्म होने को है, लेकिन आज हम लोग पूरे परिवार सभी लोग मिल के तोड़ेंगे, और 12 बजे से पहले ही हम लोग को तोड़ना होगा क्योंकि इसे बाज़ार भी लेके जाना है। तो देखिए हम लोग खाना वाना खा के आ गए हैं तोड़ने के लिए, और देखते हैं कितना तोड़ने सकते हैं। उम्मीद है कि पूरा तोड़ लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फरसबीन इस बार नहीं है, हल्का फुल्का फरसबीन है। तो इसके लिए देखिए माँ आई है, ममता जी भी आई हुई हैं, और सुजीत मेरा भाई पहले आया था तो घर अभी खाना खाने के लिए जा रहा है, तो वो भी आएगा अभी लौट के। तो देख सकते हैं ये हम लोग का, यही वाला हम लोग का खेती बाड़ी है, और इसी में अभी हम लोग तोड़ रहे हैं। बाकी और एक जगह है तो वहाँ पर कम लगा हुआ है, इसमें 3 केजी लगाए थे और वहाँ पर लगभग आधा केजी से ज़्यादा लगा था, तो वहाँ भी अच्छा खासा बीन है। लेकिन देख सकते हैं इसी खेत में अभी हम लोग तोड़ रहे हैं, और फल दिखाएँ तो फल तो बिल्कुल नहीं है। ये लगता है कि आखिरी तोड़ाई हो रहा है, या तो अगली बार तोड़ेंगे और तो ख़त्म हो जाएगा बचल खुचल जो भी है। तो यही हम लोग का खेती है। देखिए दोस्तों आई है आलिया मेरी भाईगनी, हम लोग का हेल्प कर देने के लिए। फरस तोड़ देगी, एक झोला आगे कर दीजिए ना। नानी साथ ही तोड़ा। हाँ वो अकेले है ना, नानी से तोड़ो, नानी से। दोस्तों अभी हम लोग आधा ज़्यादा तोड़ लिए हैं, फिर भी अभी बहुत सारा तोड़ने के लिए बाकी है। अभी भी इतना इतना बाकी है तोड़ने के लिए, इतना तोड़ने के लिए बाकी है, और फिर मूली भी है बीच बीच में, तो सबको उखाड़ेंगे और इसको धोना भी पड़ेगा। हाँ तो बुढ़ा जाके छोड़ देंगे तो तो इसको तोड़ के तो सिरा लेते हैं, और दो पटिया बचा रहा उधर। हाँ फिर वहाँ भी है ना। हाँ चलिए ना, एक घंटा और टाइम क्या हुआ है, अभी समय हो गया 10 बज गया है, तो अभी एक घंटा और तोड़ेंगे, एक घंटा तोड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये वाला खेत में पूरा तोड़ लिए हैं, और इस खेत में पूरा तोड़ लिए हैं। अब आगे चलते हैं, और को खेत है वहाँ पर तोड़ेंगे, देखते हैं कितना समय लगता है। और यहाँ पर बताया देखिए एक डला हुआ है, कितना सामान लेकर के जा रही है। कतारी, मड़ुआ कतारी खा रही है, मीठा लगता है, हम लोग भी बचपन में बहुत खाते थे। तो देखिए हम लोग लहसुन लगाए थे, लहसुन भी निकल गया है, छोटा छोटा है, देखिए सामने दिखा रहे हैं, हल्का हल्का निकला है, पतला पतला है अभी। ये वाला खेत देखिए इतना छोटा सा है, जितना हरियाली दिखाई दे रहा है इतना ही सा है, तो इसको भी तोड़ेंगे पूरा। तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यानी कि एक घंटा होते होते एक घंटा से कम ही लगेगा समय, और अभी फटाफट तोड़ते हैं इसको। उसके बाद फिर मूली दिखाई दे रहा होगा, जो हरा हरा दिखाई दे रहा है मूली है, तो मूली को उखाड़ेंगे और धोएंगे, और वहाँ भी होगा ना, तो हो जाएगा लगभग 10-15 केजी ऐसा। तो दोस्तों देखिए बच्चा लोग कैसे कैसे खेल खेलते हैं, ये पत्ता चिपक जाता है, कहाँ चिपका होता, अरे पहले चिपकाई है क्या, दिखाओ तो, पहले चिपकाई है कहाँ, दिखाओ तो, है झड़ गया, हाँ चिपका होता। अरे वाह चिपकता है नहीं, देखे तो ऐसा चिपक जाता है, फरसबीन का पत्ता है, किधर से चिपक जाता है, कि आगे से भरे से।
शाबाश शाबाश। कौन बता दिया लड़की ये चिपकता है इसको? कौन बता दिया? अब नहीं झाड़ेगा लग रहा, सूखने पर गिर जाएगा, लेकिन नहीं सूखेगा तो गिरेगा। चल चला पकड़ते हैं साहब। मूली बुखार लिए हैं, जैसे मूली इतना ही सा है, इतना सा मूली उखाड़े हैं तभी धोएंगे। और मूली तो बहुत अच्छा अच्छा है, छोटा छोटा उखाड़ दिए, और थोड़ा बड़ा बड़ा होता लेकिन छोटा में ही उखाड़ दिए, क्योंकि अभी सौदा करने के लिए भी हो जाएगा और एक ही सब्जी लेके जाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मूली उखाड़ दिए हैं। तो काफ़ी समय लग गया, और देखिए हम लोग मूली भी धो लिए हैं, धो के बांध दिए, और ये जो एक मुट्ठा बांधे हैं ना, तो ये एक मुट्ठा आधा आधा किलो का है, यानी कि दो मुट्ठा बनाए हैं एक केजी को, तो आधा केजी का एक मुट्ठा, तो इसमें लगभग है 10 केजी से ज़्यादा है। तो देखिए हम लोग बांध दिए हैं चट बोरा में, और इधर से ऐसे बांधेंगे, नहीं पहुँचेगा, पहुँच जा पहुँच जा, किसी तरह अटका देंगे ऐसे ही, पहुँच तो गया। तो देखिए मूली का काम तो हो गया, अब यहाँ उठा के ले जाएंगे। चलिए अब फरसबिन उधर छांट रहे हैं, तो फरसबिन छांटने चलते हैं। उरो आदमी सुतर लड़का, उठो उठो उठो, और तबीयत खराब हो गया नहीं तो अंकुश का, तो तबीयत खराब हो गया है। तो देखिए दूध झुला हुआ हम लोग का फरसबिन, अरे उल्ला छाँट लो, नहीं छाँटा, अरे इतना तो देखिए कीड़ा मकोड़ा खा गया था, इतना सब पीलू खा गया है। तो फरसबीन भी छांट लिए हैं, ढेरी निकला हम लोग का सब्जी खाने के लिए, वहां पर देखिए उतना है, तो ये वाला बढ़िया बढ़िया है, तो सबको बाजार ले जाएंगे बेचने के लिए। तो दूध झोला हुआ और 13 किलो है मूली, तो हो गया आज का बाजार करने के लिए, काफ़ी है इतना सा। दोस्तों हमारी बकरी एक बीमार हो गई है, बिल्कुल चलती ही नहीं, इतना दुलार हो जाती है एकदम, गोदी करके ला रहे हैं। हम ममता जी भी थक गए, तो नहीं थकेंगे, हम जा रहे हैं जल्दी से खुट के, तो देख रहे गोदी करके ला रहे हैं। तो इतना बड़ा बकरी है, गोदी करने से नहीं थकिएगा, थोड़ा ढकल ढाकल के तो फिर आए, बड़ी मुश्किल से लाए हैं। तो दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं, और देखिए शाम भी हो गया, दिन भर आज इधर उधर, जब जब संडे रहता है ना, इतवार के दिन हम लोग का बहुत ज़्यादा काम रहता है खेती बाड़ी में, तो काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं शाम शाम में। और देखिए अभी तक बकरी को भी दौड़ाते दौड़ाते लाए, तो अभी घर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों ठीक है, आज का ब्लॉग इतना ही तक रखते हैं, और मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, नए उमंग और नए ऊर्जा के साथ। तब तक आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्ते, जोहार।